गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? हाँ, आप तो बढ़िया ही होंगे। अभी तो हालत मेरी खराब हो रही है, राइट? नर्वस तो मैं हूं यहाँ पे, पर एनी हाउ, जो इससे पहले जो सेशन था जहां पे वो मैंने एक प्रोडक्ट टेस्टिमनी सुनी और उन्होंने बड़े अच्छे बेहतरीन अंदाज में अपनी प्रोडक्ट टेस्टिमनी को पेश किया, जहां पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पुराने रेट्रो गाने भी गाए और माहौल खुशनुमा बना दिया, तो थैंक्स टू दैट गाय कि उसकी वजह से मेरी नर्वसनेस सारी खत्म होगी। प्लीज दोस्तों, इस आज जो आपके सामने 10-15-20 मिनट में आपसे बात करूंगा, उसको मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया, चलेगा? राइट। मैं ये पहले आपको इसलिए बता रहा हूं कि बीच के किसी सेक्शन में आप उठ के बाहर ना जाओ, अदरवाइज बहुत कुछ मिस करोगे। यस और नो? एक और प्रॉमिस चाहिए होगा, जहां पे भी अच्छी चीज लगे, कुछ अच्छा लगे आपको, तो प्लीज क्लैपिंग करने से पीछे मत हटिएगा। अगर आप क्लैपिंग करने से पीछे नहीं हटोगे तो मैं भी 100% आपको देने से पीछे नहीं हटाऊंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। चाहते हो आप लोग? मजा नहीं आ रहा? यस, थैंक यू सो मच। पहला सेक्शन में आपको मैं अपनी जर्नी बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा। सेकंड सेक्शन जो होगा उसमें जो आजकल जिन 3-4 फार्मूलाज हैं, 3-4 ऐसे मैंने कुछ चीजें बनाई हैं जिसपे मैं और मैं अपनी टीम को काम करवा रहा हूं, वो आपसे रूबरू करवाऊंगा। और थर्ड सेक्शन में 2-3 ऐसी हैबिट्स हैं जो मैंने बहुत सारी बुक से पढ़ी हैं, बहुत सारे वीडियोस देख के लोगों से सीखी हैं कि सक्सेसफुल लोगों में वो कैसी हैबिट्स होती हैं जिसके कारण उनमें डिफरेंशिएशन आ जाता है कि वो लगातार सक्सेस होते 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 सक्सेसफुल होते जाते हैं और जिंदगी में ऊंची से ऊंचे मुकाम हासिल करते हैं। आप जानना चाहोगे? तो स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, मेरा नाम है संजीव कपूर, बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश, विच इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टेट इन दिस इंडिया, राइट? एंड आई बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। मैं चाहूंगा इस स्टेट के लिए भी एक बहुत जोरदार क्लैपिंग हो। आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ इंडिया एंड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया। दोस्तों, मैं वहां से, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, बहुत ही छोटा सा गांव है, जहां पे आज भी अगर आप मेरे साथ जाओगे तो वहां पे इनकम जो है वो 5-6 हजार रुपए अगर लोग कमा लेते हैं तो उनको लगता है कि उनकी रोजी रोटी बहुत सही जा रही है। अब हिमाचल की एक खासियत है कि वहां पे गरीब से गरीब इंसान के पास भी 4-5 कमरों का घर है, कोई बेघर नहीं है, ये खासियत है उस स्टेट की, राइट? लेकिन इनकम की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे तो 4-5 हजार में लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। और थैंक्स टू माई पेरेंट्स, प्लीज मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। उस छोटे से गांव में जहां पे छोटी सोच थी, छोटे सपने थे, वहां पे मेरे पिताजी के सपने थोड़े से डिफरेंट थे। वो आर्मी में थे और आर्मी में थे तो डिसिप्लिन भी थे, और वही डिसिप्लिन कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे अंदर भी लाने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने देखा था कि शायद ये गांव वो जिंदगी नहीं दे पाएगा आपको जो एक्चुअल में जिंदगी चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में शिक्षा दी, वो स्कूल है सेंट्रल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय जिसे कहते हैं, तो वहां से मेरी जो है एजुकेशन शुरू हुई। जब वो एजुकेशन शुरू हुई तो वहां पे मेरे वो सपने जो थे ना, उनका निर्माण होना शुरू हुआ। कैसे? जब मैं स्कूल में जाता था तो होता क्या था कि कर्नल, जनरल और इन कैप्टन्स, इनके जो आर्मी में काफी अच्छे रैंक्स के जो ऑफिसर्स होते थे, इन ब्रिगेडियर्स होते थे, उनके बेटे आते थे, उनके बच्चे आते थे, और वो आते थे जोंगाज में, यू नो, जीप्स में, जिप्सीज में, और हम आते थे एक सरकारी बस में। तो जब हम वहां से उतरते थे और वो लोग उसमें आते थे तो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, जो डिफरेंस शायद किसी इंसान के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आएगा, लेकिन मेरे अंदर वो डिफरेंस जो था मेरी अपनी ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशन के बीच का गैप क्रिएट कर रहा था जो जनरली सब लोगों में होता है। उनकी ड्रेसिंग देखता था तो बहुत ही नीट एंड क्लीन ड्रेसिंग होती थी उनकी, बहुत सही ढंग से इस्त्री किए हुए कपड़े होते थे, और हमारी ड्रेसिंग जैसे एक गांव वाले की ड्रेसिंग होती है वैसी होती थी। लेकिन दोस्तों, वहां पे मुझे समझ आया कि कुछ ना कुछ सोचना आपको बड़ा चाहिए, अगर वो लोग कर सकते हैं, वो लोग पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। वहां से कहीं ना कहीं मेरे ड्रीम्स की शुरुआत हुई। जब वहां से मैं बाहर निकला
तो उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की अपनी, मैंने बी कॉम की, उसके बाद मैंने एम कॉम की, और उसके करने के दौरान जो मैंने अलग अलग जगह ट्राई किया, जैसे कि सारे लोग करते, मेरे पिताजी ने मुझे वही सिखाया था कि पढ़ लिख के एक नौकरी करनी है, तो मैं भी उसी तलाश में निकल पड़ा। आर्मी में जाने का एक पैशन था और दो बार कमीशन भी क्वालिफाई किया, लेकिन इलाहाबाद मेरा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता था, दोनों बार मैं वहां से रिजेक्ट होकर वापस आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, कुछ और देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं दिल्ली आ गया। अब दिल्ली में अपने एक फ्रेंड के साथ आया था, ये बात है 9/11/2001। आई थिंक सारे इस डेट को कभी भी जिंदगी में भुला नहीं पाएंगे। यस और नो? यस और नो? देखो, मैंने आपको एक चीज कही थी, मेरे साथ रहोगे तो बहुत कुछ देने वाला हूं मैं, कोशिश करूंगा, और अगर नहीं रहोगे तो शायद वो चीजें मेरे अंदर से नहीं निकल पाएंगी। जब मैं यस या नो कहूंगा, प्लीज पार्टिसिपेट करना आप लोग, शायद आपको बहुत कुछ यहां से मिलेगा। तो जब 9/11/2001 में क्या हुआ था दोस्तों, यस, वो मेरा पहला दिन था। तो मैं उस दिन जब मैंने सुबह आंख खोली तो देखा आज तक में वो न्यूज चल रही थी कि वो ट्विन टावर्स वहां से उड़ गए थे। तो वो मेरा पहला दिन था, बड़ा ही ड्रामेटिक डे था। एनी हाउ, 3-4 महीने मैंने मेहनत की, इधर उधर जॉब्स ढूंढी, और वो जॉब ढूंढने के बाद मेरी पहली जॉब जो थी वो लगी थी मेरी एज अ कैशियर एक 5-स्टार होटल में, और वो 5-स्टार होटल था जंतर मंतर के ऑपोजिट, अगर आप देखोगे दिल्ली में कैनॉट प्लेस में एक द पार्क करके 5-स्टार होटल है। यस और नो? देखा आप लोगों ने? उसमें एज ए कैशियर 3,000 की नौकरी से मैंने शुरुआत किया। दोस्तों, सपने बहुत बड़े थे इसलिए वहां पे ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। 8 से 10 महीने वहां जॉब करने के बाद फिर से मुझे यही रियलाइज हुआ कि मैंने इस चीज के लिए घर नहीं छोड़ा है, और वहां से मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू MBA, क्योंकि मुझे लगता था कि MBA करने के बाद एक परफेक्ट लॉन्च मिल जाएगा मेरे करियर का। तो मैंने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया और MBA की, और MBA करने के बाद मैंने फिर बहुत सारी डिफरेंट कंट्री कंपनीज जो कि इंडिया में बहुत ही रिनाउंड कंपनीज है, लाइक आई स्टार्टेड माई करियर विद डाबर के बाद मैं हच जो वोडाफोन में, वोडाफोन आज की डेट में है, वहां पे काम किया। उसके बाद मैंने एयरटेल में काम किया, और माई लास्ट वेंचर वॉज विद टाटा स्काई। आप लोगों ने सुना है टाटा स्काई? टाटा स्काई में आई वॉज एरिया सेल्स हेड फॉर J&K एंड हाफ पंजाब, तो आई वॉज हेडिंग दीज 1.5 स्टेट। और अगर मैं सैलरी की बात करूं, इनकम की बात करूं, तो उस वक्त मेरा 13-14 लाख का पैकेज था। अगर मैं टोटल की बात करूंगा, मैं 1,00,000 रुपए घर पे आ रहे थे, और जब 1,00,000 रुपए घर पे आ रहे हो तो नॉर्मली इंडिया की बात करें तो इंसान कहता है कि अब यार बहुत बढ़िया चल रहा है अपना, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। यस और नो? दोस्तों, वहां पे भी वो जो मेरा गैप था ना, ड्रीम्स और जो मेरे एक्सपेक्टेशंस, उनका जो गैप था, जो अचीवमेंट और मेरी एक्सपेक्टेशन का गैप था, वो गैप कहीं ना कहीं मुझे खा रहा था। और उसके साथ एक चीज जो मुझे खा रही थी वो ये थी, बिकॉज बीइंग अ वेरी इमोशनल पर्सन, मैं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच हूं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे मेरी वाइफ हैं। वाइफ से याद आया कि शी इज द वन हु इंस्पायर्ड मी टू गेट इन टू दिस बिजनेस, सो प्लीज उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। अगर शायद वो मुझे इंस्पायर नहीं करती तो मैं इस बिजनेस में या आप लोगों के सामने आज यहां पे ना खड़ा होता। एनी हाउ, मेरे को वो जो गैप दिख रहा था वो ये दिख रहा था कि बीइंग ए इमोशनल गाय, मुझे लग रहा था कि मैं अपनी फैमिली को बहुत कम वक्त दे रहा हूं, और ये मेरे ख्याल से 99% लोग जो जॉब कर रहे हैं स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में उनके साथ होता है। यस और नो? प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं लोग, कौन कौन यहां पे बैठे हैं? बहुत सारे बैठे हैं, तो ये लोग तो स्पेशली मेरे साथ रिलेट करेंगे आज, राइट? हुआ क्या कि वो जो मेरा गैप था वो मुझे दिख रहा था कि मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूं, तो उसकी तलाश में मैंने एक दिमाग में आया कि चलो लेट्स डू बिजनेस, क्योंकि एक जॉब वाला जो होता है वो यही सोचता है कि चलो कुछ ना कुछ पैसे लगा के जॉब बिजनेस कर लिया जाए। जब मैं बिजनेस को एनालाइज कर रहा था ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में, मैंने कुछ दोस्तों के साथ कुछ प्लान भी बना लिए थे कि इतने पैसे इन्वेस्ट करके ऐसे से जॉब छोड़ेंगे और आ जाएंगे। तो जब मैंने वहां से ROI निकाली, मींस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जब मैंने निकाली, तो मैं देख रहा था कि मैं शायद अगर कुछ भी लगाऊंगा, मान 10 लाख लगाऊंगा तो 1-2% बचेगा, 20 लाख लगाऊंगा तो भी उतना ही बचेगा। तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट अगर मैं देख रहा था, अगर 50 लाख मेरे पास मिनिमम होते तो मैं एक रिस्पेक्टेबल इनकम जो है कमा सकता था, क्योंकि वो इनकम मैं ऑलरेडी ले रहा था। यस और नो? तो वो क्या प्लान भी कैंसिल हुए। तो फॉर्चुनेटली मेरी जिंदगी में उस वक्त फॉरएवर आई, और ये था आपका September 2011 की मैं बात कर रहा हूं। मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर, मेरे ब्रदर जो मेरे साथ किसी एक कंपनी में कुलीग थे, उनका नाम है मिस्टर संदीप कंबोज, प्लीज उनके लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा मैं, जोरदार क्लैपिंग। जब वो मेरी जिंदगी में आए, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया इन प्रोडक्ट्स के साथ, और उन्होंने ये कहा कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं, आई हैव डिसाइडेड कि मैं मूव ऑन करूंगा,
और ही वॉज एल जी मार्केटिंग हेड फॉर पंजाब. दोस्तों 18 लाख के पैकेज में थे वो, राइट. और उन्होंने वो डिसाइड किया कि मैं जॉब क्विट करूंगा. जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं जॉब क्विट करूंगा तो मैं थोड़ा सरप्राइज था, पर मैंने कहा चलो ठीक है, आप कुछ कर रहे हो तो ठीक ही कर रहे होंगे. तो मैंने कहा ओके. वो आए मेरे साथ, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए. जब उन्होंने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए और बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया तो मेरे दिमाग में भी वही क्वेश्चन जो आम हर इंसान के दिमाग में आते हैं क्वेश्चन, वही आना शुरू हो गए कि ये वैसी वैसी कुछ कंपनी होगी जो जनरली आप लोग सोचते हो. यस और नो, राइट. तो मैंने भी वैसे सोचना शुरू किया, बट वो मेरे फ्रेंड थे, मैंने उनसे प्रोडक्ट्स लिए. जब मैं प्रोडक्ट्स लिए मुझे अच्छे लगे और मैं रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट्स को यूज करने लगा. लेकिन मैंने कभी भी उनके इनविटेशन पे कोई ट्रेनिंग या मीटिंग अटेंड नहीं की क्योंकि मैं अपनी जॉब में बहुत ज्यादा मशरूफ था. ये सारा जो सिलसिला था ऑलमोस्ट एक सवा साल साथ चला, सवा साल के आसपास चला. और जब बात आई नवंबर 2012 की और दिवाली का सीजन खत्म हुआ और मैं थोड़ा सा फ्री हुआ, तो तब तक हो ये चुका था कि बीच में जब संदीप कंबोज सर मेरे साथ थोड़ा सा फॉलो अप करते थे तो मुझे दिखता था कि वो ही इज ग्रोइंग डे ऑन डे, मंथ ऑन मंथ ही इज ग्रोइंग. और जब मैं उनसे बात करता था तो बहुत ही रिलैक्स लगते थे, बहुत फैमिली के साथ एंजॉय करते थे. तो एक क्लिक होने लगा जो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरी अचीवमेंट्स के बीच के गैप थे, जो मेरे गैप्स थे वो मुझे दिखने लगे कि यहां से फुलफिल हो सकते हैं. पैसा भी आने लग पड़ा, पैसे के साथ साथ फैमिली के साथ एंजॉय भी वो करते थे. तो वो चीजें मुझे क्लिक करने लगी. मैंने उनको बोला कि आप एक बार प्लीज आओ मेरे साथ. मैं अमृतसर में था, वहां पोस्टेड था, तो मैंने कहा कि आप आओ मेरे पास, बैठो और मुझे समझाओ, राइट. उन्होंने कहा कि ये संडे आ रहा है तो एक काम करो, आप यहां पे आ जाओ, आपको छुट्टी भी होगी और हम बात कर लेते हैं. मैं मोहाली गया वहां पे और उनके साथ 2-3 घंटे बैठा. जब दोस्तों उनके साथ 2-3 घंटे मैं बैठा, उन्होंने मुझे सारा प्लान दिया और 2 पेज में उन्होंने सारा मेरा रोड मैप बनाया कि दिस इज हाउ दिस बिजनेस हैज टू बी डन, राइट. और वो जो गाइडलाइंस और वो 2 पेज हैं दोस्तों, मैंने आज भी संभाल के रखे हैं. वो आज भी मेरे गाइड हैं, वो 2 पेज. वो इतना क्रिस्टल क्लियर था वो सारी चीजें कि मुझे क्लैरिटी होगी कि ये वो चीज है, ये ऐसा कुछ है जहां पे अगर मैं अपने एफर्ट्स पुट करूंगा तो रिजल्ट्स तो मुझे कहीं ना कहीं आ ही रहे हैं, लेकिन अगर यहां पे मैं एफर्ट्स पुट करूंगा तो रिजल्ट्स जल्दी आएंगे और रिजल्ट्स डबल आएंगे. ये क्लैरिटी मुझे उसी वक्त वहां बैठे हो गई थी. जब ये क्लैरिटी होगी तो मैंने 3 महीने के लिए ट्रेनिंग्स अटेंड करना शुरू की. अमृतसर से 250 किलोमीटर मैं मोहाली आता था. एवरी संडे आई यूज टू कम और सैटरडे, और कोई भी वेकेशन होती थी, छुट्टी होती थी, मैं इसमें आता था. मैंने एक बार इन चीजों को साइड में रखा कि मुझे कहीं पे जाना है, बर्थडे अटेंड करना है, कोई मैरिज अटेंड करनी, उसको एक बार साइड में रखा और उसके बाद ये अटेंड किया. जब ये 3 महीने में ये अटेंड कर रहा था तो 2-3 बार मैंने संदीप सर को बोला, सर मैं रिजाइन डालना चाहता हूं, मैं इसको फुल टाइम करना चाहता हूं. उन्होंने हर बार मुझे मना कर देना. उन्होंने कहना नहीं, अभी और समझ लो, इसको और एक्सप्लोर कर लो, और बिल्डअप कर लो, उसके बाद आप रिजाइन डाल देना. मैं फिर परेशान, मैं फिर वापस जाता था. तो हुआ क्या, फरवरी की बात है और मैंने उनको पूछा नहीं, मैं मोहाली उनको कहा मैं आ रहा हूं. मैं आया तो मोहाली, लेकिन अपने कंपनी के ऑफिस में गया और मैं वहां पे रेजिग्नेशन देने के बाद 2 घंटे स्पेंड करने के बाद सर के पास चला गया और उनको मैंने कहा कि मैंने रिजाइन डाल दिया है, मैं आपके पास आ चुका हूं, नाउ जस्ट टेल मी व्हाट टू डू, हाउ टू डू, राइट. और ये वो जो डे, यस प्लीज क्लैपिंग का मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है, याद रखना, राइट. जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, राइट. अच्छी लगी आपको बात, पर क्लैपिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आपको बात अच्छी लगी थी. अंडरस्टैंड करो, ये जो मोमेंट होता है ना जब आप डिसाइड करती हो, ये इतना बड़ा मोमेंट होता है बिकॉज इट कैन चेंज, इट कैन मेक और इवन इट कैन डिस्ट्रॉय योर करियर. यस और नो, राइट. लेकिन जब आप फॉरएवर में आते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, आप एक ही चीज जानते हो कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया यहां पे तो इट विल ओनली मेक एंड शेप योर करियर. यहां पे आपका करियर बनेगा भी और जो कर रहे थे उससे बेहतर बनेगा. यस और नो, यस. मैं वहां पे पहुंचा और उन्होंने मुझे कुछ गाइडलाइंस दी. एंड जब मैं ये जब बात करता हूं कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो एक शख्स है जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा यहां पे, और आप सारे लोग जानते हो इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है, वो है मिस्टर मनदीप कंबोज. मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग हो यहां पे.
उन्होंने भी मुझे गाइड करना शुरू किया कि इस तरह से आपने बिजनेस को डेवलप, उनकी ट्रेनिंग्स ली, उनकी कोचिंग ली और संदीप सर के साथ मैंने बिजनेस को बिल्डअप करना शुरू किया। दोस्तों पहले चार महीने मेरे साथ कोई नहीं चला, फर्स्ट फोर मंथ कोई नहीं आया, सीसी होते थे, मैं सुपरवाइजर भी बन गया पहले दो महीने में, कुछ चेक भी आने शुरू हो गए 10-12 हजार के, लेकिन चलता कोई नहीं था ट्रेनिंग लेने के लिए। इसका रीजन सबसे बड़ा था कि लोग जो थे 250 किलोमीटर सफर नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके पास एक सैटरडे संडे होता था, और मेरा जितना भी कॉन्टेक्ट लिस्ट थी वो सारे के सारे कौन थे, मेरे साथ जॉब वाले, जिनके पास सैटरडे या संडे होता था, तो वो निकालना नहीं चाहते थे टाइम। तो फोर मंथ्स लगे मुझे कुछ लोगों को वहां से निकालने में, और उसके बाद जो कारवा बनना शुरू हुआ दोस्तों, अब मैं आपको बात करूंगा कि मेरी अगली जर्नी में क्या क्या हुआ और अचीवमेंट्स कैसे आए, राइट? तो फोर मंथ्स तक मैं सिर्फ अकेला आता था और कभी कभी सिर्फ मेरी वाइफ मेरे साथ आ जाते थे कि देखते कि ये अकेला जा रहा है, तो लाइक ए सपोर्ट सिस्टम वो मेरे साथ आ जाते थे कि इनको बुरा ना लगे कि कोई इनके साथ नहीं चल रहा है, तो मेरे साथ आ जाते थे ट्रेनिंग्स के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग मेरे से स्टॉक मंगवा लेते थे क्योंकि जो मेरे कस्टमर्स थे कि ये ले आना वो ले आना, तो मैं क्या करता था, वो दो दो तीन तीन बैग हो जाते थे, और जब मैं रेलवे स्टेशन में उतरता था अमृतसर में तो तीन बैग एक बंदा नहीं उठा सकता, यस और नो? तो मैं क्या करता था कि एक बैग वहां पे रख दिया और दो बैग उठा के आगे प्लेटफॉर्म के एंड तक रखता था, फिर पीछे मुड़ के देखता था, फिर दूसरा बैग उठाता था, फिर लास्ट तक जाता था, इस तरह से मैं बाहर निकलता। दैट वॉज द टाइम वेन सम टाइम कभी कभी मुझे ये हुआ कि संजीव तूने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, यू वर एरिया सेल्स मैनेजर फॉर अ रिप्यूटेड कंपनी हैविंग द यू नो हैविंग अ गुड पे, और तुम ये क्या काम कर रहे हो यार, डब्बे ढो रहे हो। लेकिन उसी मोमेंट में मुझे एक चीज रियलाइज होती थी कि यही वो स्टोरी बनेगी, सक्सेस स्टोरी, जो कि मैं सुनाऊंगा लोगों को, राइट? और उस चीज ने मेरा हौसला जो है हमेशा आगे बढ़ाया, मैं चलता गया दोस्तों। तीन चार लोगों ने चौथे महीने के एंड में मेरे साथ, मेरी कन्विक्शन, मेरा कॉन्फिडेंस और ये सारा कुछ देख के वो लोग मेरे साथ चलना शुरू हुए। दोस्तों शुरू में आपके पास अचीवमेंट्स नहीं होगी, सिर्फ कॉन्फिडेंस होगा, बाद में कौन अचीवमेंट्स आएंगी, यस और नो? यस, मेरे को लगता है लोगों को अच्छा लगा, प्लीज 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 प्लीज। शुरू में आपका कॉन्फिडेंस आपको कुछ चीजें दिलाएगा, बाद में आपकी अचीवमेंट बहुत कुछ चीजें दिखाएंगी। तो शुरू में जो कॉन्फिडेंस है उसका बेस जो मैंने आपको बताया वो बेस था ट्रेनिंग्स, राइट? जो मैंने आपको पहले बताया, ये रेगुलर चलती रही मेरी ट्रेनिंग्स। तो दोस्तों हुआ क्या कि 10 महीने के अंदर, विद इन 10 मंथ्स, वैसे तो मैंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया 8.5 महीने में, लेकिन जो मेरा, मैं एक टारगेट लेके चला था इस बिजनेस में कि मैं 1,00,000 रुपए की सैलरी छोड़ के आया हूं, तो एटलीस्ट 1,00,000 रुपए पे मुझे पहुंचना है। दैट वाज अ क्लियर कट टारगेट जो मैंने लिखा था कि 1 ईयर में मैं पहुंचूंगा, और दोस्तों 10 मंथ्स में मैं 1.5 लाख क्रॉस कर गया। 10 मंथ्स में पर मंथ इनकम मेरी 1.5 लाख को क्रॉस कर गई, और जब एक साल कंप्लीट हुआ 2014 की मैं बात कर रहा हूं, 13 से 14, मार्च 19 तारीख को मैंने शुरू किया था 2013 में, जब मार्च 2014 आया आपका, तो 15 तारीख को जो पे आउट आया था, दोस्तों याद रखो कि मैंने टारगेट लिया था 1 ईयर में 1 लाख का, और जो मेरा पे आउट था दैट वाज 2 लाख रुपीस 1 ईयर, राइट? और ये 100% रिजल्ट था कुछ चीजों को फॉलो करने का, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिन चीजों पे मैंने बात करी सेकंड सेशन में। और इसके साथ साथ मेरा कार प्लान लेवल 1 हुआ, विद इन 1 ईयर मैंने अपना कार प्लान लेवल 1 अचीव कर लिया था, राइट? वो भी मैं आज इंजॉय कर रहा हूं। ये सारे दौरान मैं सीनियर मैनेजर बना, उसके बाद मैं मिलियनेयर क्लब में शामिल हुआ, और जब सेकंड ईयर अचीवमेंट शुरू हुई, सारा कुछ शुरू हुआ, तो उसके बाद ईगल मैनेजर, मैनेजर रिट्रीट, ये सारी चीजें क्वालिफाई हुए। और उसके साथ साथ जो सिंगापुर में मेरे साथ हुआ, जब मैं यहां से सिंगापुर गया, इस साल की बात है शुरू में अप्रैल में, तो वहां पे जब मैं वहां पहुंचा और इतने सारे लोगों को देखा मैंने, तो मैं एकदम हैरान रह गया। और वहां पे एक और चीज मेरे दिमाग में आई कि संजीव कपूर, आई थिंक तुम्हारे ड्रीम्स जो हैं बहुत ही छोटे हैं, इन ड्रीम्स को अब और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो जहां पे छोटे ड्रीम्स का काम ही नहीं है। यहां पे अगर ड्रीम्स आपके बड़े नहीं है, मुश्किल है, मुश्किल है। तो अगर रोटी पानी खानी है, 40-50 हजार कमाने हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना टाइम वेस्ट यहां ना करें और ना ही अपने अपलाइन का करें। अगर आपने मिनिमम 3 से 4 लाख रुपया मंथली कमाना है विद ए फुल प्रूफ सिस्टम, विद एथिक्स एंड एवरीथिंग, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, राइट? छोटे ड्रीम्स लेके प्लीज यहां पे ना आओ यहां। तो जब मैं वहां पहुंचा और वहां पे देखा मैंने 18-20 हजार लोग पूरी दुनिया से आए हुए हैं,
तो वहां पे मैंने एक टारगेट बनाया और वो मैं अनाउंस भी करना चाहता हूं. माय टारगेट इज दैट आई विल डू 7500 सीसी एंड वुड बी अ पार्ट ऑफ जीएलटी टीम. यस, दैट्स माय टारगेट. अच्छा नहीं लगा टारगेट? क्या छोटा टारगेट है? क्या कुछ बड़ा करूं क्या? ओके सॉरी, मैं भूल जाता हूं थोड़ा सा. मेरा टारगेट यह है कि ग्लोबल लीडरशिप टीम जो है उसको ज्वाइन करूं, क्योंकि वो ग्लोबल लीडरशिप टीम एक ऐसी टीम है जो दुनिया भर में कंपनी की मैनेजमेंट को हेल्प करती है पॉलिसीज बनाने में, उनको सजेस्ट करती है, बिजनेस को ग्रो करती है. तो आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट इलीट ग्रुप. That's my टारगेट. उसके लिए 7500 सीसी करना पड़ते हैं, इसलिए वो मेरा टारगेट है. 7500 सीसी मैं करूंगा और वहां पे पहुंचूंगा, राइट? सो वहां पे मेरे टारगेट्स बहुत बड़े हो गए. और थैंक्स टू अमरजीत सर, थैंक्स टू दिस वंडरफुल सिस्टम ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया, थैंक्स टू मिस्टर रैक्स मोहन एंड थैंक्स टू दिस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कि वहां पे इतने लोगों के सामने स्टेज पे मुझे 4,57,000 का पहला चेयरमैन बोनस दिया गया. थैंक यू सो मच. जब 2015 की जर्नी शुरू हुई जनवरी को, तो एक मैगजीन मेरे घर पे आई और उस मैगजीन को जब मैंने खोल के देखा, अब ये चीजें मैंने प्लान नहीं की थी, मैं बिजनेस अपना एथिकली प्रॉपरली कर रहा था, सिस्टम जैसे मुझे बताए जा रहे थे मिस्टर संदीप कंबोज ने जो जो बताया मैं वैसे करता गया. तो जब मैं वो मैगजीन खोल के देखी, तो जैसा कि आपको सर ने बताया कि मैं इंडिया में नॉन मैनेजर कैटेगरी में नंबर 2nd रैंक पे था, नंबर 2 रैंक. ये प्लानिंग नहीं की थी मैंने, पर ये हो गया. जब आप ढंग से बिजनेस को करते हो, शिद्दत से करते हो, सही सिस्टम को फॉलो करते हो, तो आपके साथ ये सारी अचीवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं. तो ये तो थी मेरी जर्नी. और इस जर्नी में अब अगर मैं बात करूं, तो आज मुझे 2.5 साल हो चुके हैं और मेरी जो एवरेज इनकम है वो 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ रहती है. कैसी इनकम है? अच्छी बात यह है कि उस मैगजीन में मैं ही नंबर 2 पे नहीं था, मेरी टीम में मिस्टर अमरवीर चाहल नाम के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो भी टॉप 5 में 5th रैंक में थे. एंड दैट्स द अचीवमेंट. बिकॉज आप अकेले सक्सेसफुल नहीं हो रहे, आपके साथ कौन सक्सेसफुल हो रहा है? आपकी टीम भी सक्सेसफुल हो रही है और वो भी आपके साथ ठीक ठाक यहां पे पैसा कमा रही है, अपनी लाइफ को चेंज कर रही है. तो दिस इज माय जर्नी. अब मैं जर्नी के बाद मैंने प्रॉमिस किया था कि सेकंड आपको चीज बताऊंगा, वो 4 पॉइंट जिनके ऊपर मैं आज की डेट में चल रहा हूं और अपनी टीम को डेवलप कर रहा हूं. सुनना चाहोगे आप? सुनना चाहोगे? राइट. तो पहली चीज आती है आपकी क्लैरिटी. मैं किसी भी इंसान को जब अपने बिजनेस में लेके आता हूं, तो मैं उसे ये नहीं सोच के लाता हूं कि भैया वो आ रहा है तो फटाफट उसका फॉर्म साइन कराओ और उसको एक बोतल या दो बोतल दे के भेज दो. नो, मैं उसको एक ही चीज कहता हूं कि आप 100% पहले अपनी क्लैरिटी करो कि आपने बिजनेस में क्यों आना है, आप इस बिजनेस से क्या ले सकते हो, और कंपैरिजन करो ब्लैक एंड व्हाइट में कि जो कर रहे हो क्या आपको अपने ड्रीम्स पे लेके जा रहा है. अगर नहीं है तो यहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो. अगर आपको अभी तक वो चीज की क्लैरिटी नहीं है कि यह बिजनेस आपको कहां लेके जा सकता है, तो प्लीज यहां पर सिर्फ मुझे ऑब्लाइज करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि ऐसे अगर आप करोगे तो होगा क्या ना, आप 100% दे पाओगे और कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज को 100% जस्टिफाई नहीं करूंगा और इस प्रोसेस में आपका और मेरा कीमती टाइम बर्बाद होगा. यस और नो? तो 100% क्लैरिटी पे काम करना है कि आपने बिजनेस क्यों करना है, ये क्या ले सकता है, क्या दे सकता है. और ये क्लैरिटी करने के लिए आपने अपने अपलाइन के साथ बैठना है, उसके साथ साथ आपने जो चीजें करनी है वो ये करनी है कि आपने सारी की सारी ट्रेनिंग्स को ढंग से अटेंड करना है, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए, राइट? वंस दैट क्लैरिटी इज डन, जब ये क्लैरिटी हो जाती है तो सेकेंड पॉइंट आता है आपका प्रायोरिटी. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि मेरे साथ ये नहीं चल रहा, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये सब नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. ये सारी चीजें इसलिए हैं कि पहले पॉइंट पे उसने काम ही नहीं किया जिसका नाम है क्लैरिटी. यस और नो? जब आपकी क्लैरिटी 100% होगी, प्रायोरिटी अपने आप सेट हो जाएगी, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा. यस और नो? राइट. अब मैं प्रायोरिटी पे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों. एक बार क्या हुआ, एक क्लास लगी हुई थी और उसमें एक प्रोफेसर आए. जब प्रोफेसर आए तो उनके हाथ में एक जार था और एक साथ में एक बैग था जिसमें कुछ सारी चीजें रखी हुई थी. तो उसने आते ही एक क्वेश्चन, सारे स्टूडेंट सरप्राइज थे कि आज सर ने कुछ नहीं बोला, सीधा आके वो टेबल के ऊपर एक जार रख दिया और जार को उन्होंने ये पूछा स्टूडेंट से कि जार ये भरा हुआ है या खाली है. तो अब बट ऑफ कोर्स सारों ने कहा कि ये जार खाली है, राइट?
अब उसके बाद क्या किया उस प्रोफेसर ने कि अपनी जेब से गोल्फ की बॉल्स निकाली और वो उसमें डाल दी। तो जितनी भी 5-7-8 गोल्फ की बॉल्स जो थी उसमें चली गई, और वहां पे जब चली गई तो उसने फिर एक क्वेश्चन थ्रो किया अपने स्टूडेंट्स पे, क्या ये खाली हैं या भरी हुई हैं? तो आंसर आया कि ये भरा हुआ है जार, राइट। तो उसके बाद क्या किया उस प्रोफेसर ने, स्टोन के पेबल्स, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं स्टोन्स के या पत्थर के, उनको निकाला और उनको भी डालना शुरू किया। तो उन जो छोटे छोटे स्टोन के जो पेबल्स थे, जो टुकड़े थे, उन्होंने वो जगह लेना शुरू कर दिया जो बॉल्स के बीच में थी, यस और नो, और वो भी आना शुरू हो गए। फिर उसने क्वेश्चन थ्रो किया कि ये खाली है या भरा हुआ है, तो आंसर फिर से आया कि ये भरा हुआ है अब तो एटलीस्ट। उसके बाद उसने बैग में फिर हाथ डाला, हाथ डाल के उसने क्या किया कि रेत निकाली, सैंड जिसको बोलते हैं, वो निकाल के उसमें डालना शुरू किया, तो सैंड ने भी अपनी जगह लेना शुरू करी, यस और नो, वो भी उसके अंदर आना शुरू किया। उसने फिर क्वेश्चन किया क्या ये भरा हुआ है या खाली है, तो फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हंसे, सरप्राइज हुए, और फाइनली उन्होंने कहा नहीं ये भरा हुआ है। अब उसके बाद उसने क्या किया कि जार से एक, अपने बैग से एक और मग्गा निकाला जिसको कह सकते हैं, और उसमें क्या था, हॉट चॉकलेट मिल्क था, और वो भी उसमें पोर करना शुरू कर दिया। अब वो हॉट चॉकलेट मिल्क ने भी अपनी जगह उस जार में लेना शुरू कर दी। देन ही सेड, और ये चीज ध्यान से सुनना, अपने मोबाइल फोन्स को वाइब्रेट या साइलेंट मोड पे कर लो, बीच में नहीं बजना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग, इट्स नॉट फॉर फॉरएवर ओनली, फॉर योर लाइफ आल्सो। उसने कहा ये जार जो है ये पूरा आप देख रहे हो, दिस इज योर लाइफ, राइट, और इसमें जो गोल्फ की बॉल्स थी, दैट इज योर फैमिली, दैट इज योर फ्रेंड्स, and that is your health. Number one priority in your life should be your family. पहले नंबर पे आपकी फैमिली होनी चाहिए, आपकी हेल्थ होनी चाहिए, और आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, टॉप प्रायोरिटी नंबर वन। उसके बाद उसने कहा जो ये स्टोन के पेबल्स थे, जो स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े थे, ये क्या थे, ये आपका है करियर, आपकी जॉब, आपकी कार और आपका मकान, ये नंबर टू प्रायोरिटी पे हमेशा आता है, राइट, तो उनको भी जगह उसमें मिल जाएगी। नंबर थ्री प्रायोरिटी भी, जब उसने कहा कि जो सैंड डाली थी ये क्या चीज है, तो उसने कहा ये वो सारी फालतू की चीजें हैं जिसपे हम सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, रिगार्डिंग रिलीजन, रिगार्डिंग दिस एंड दैट, ये अच्छा है ये बुरा है, बैठ के या टीवी देखते हैं, ये सारी चीजें, ये जितनी भी उल्टी सीधी चीजें जिनसे आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, ये वो सैंड है। अब जो बात है वो ये है, जो प्रोफेसर ने जो लास्ट में बात की थी वो सुनने वाली है, कहते लेकिन होता उल्टा है, हम सबसे पहले जार में वो सैंड भर देते हैं, सबसे ज्यादा टाइम हम किस चीज में लगाते हैं, फालतू की चीजों में, केजरीवाल ने ये कर दिया, मुलायम सिंह यादव ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, इन चीजों में या रिलीजियस चीजों में हम घुसे हुए हैं, उल्टी सीधी चीज सब कुछ नेगेटिविटी में हम घुसे हुए हैं, उन चीजों में सबसे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जब सैंड आपकी जार के अंदर जाएगी तो क्या फैमिली के लिए टाइम मिलेगा, क्या वो गोल्फ की बॉल अंदर जाएंगी, राइट। दिस इज वॉट इज हैपनिंग विद अस करंटली, हमारी जिंदगी ऑक्यूपाई है फालतू की चीजों में, फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। They are clapping. So, number one priority पे आपकी हमेशा health आती है, आपकी family आती है, and I'm very proud उस example के बाद मुझे ये study हुआ कि forever एक ऐसा career है, इकलौता career है आपके पास, जहां पे आप number one priority पे अपने career और family और health को रख सकते हो इकट्ठे, rather than number two पे, yes or no? This is the only career available in this planet at least, right? तो ये आपकी होगी priority set. जब priority set हो जाएगी तो कभी भी आप excuses नहीं दोगे, excuses वो लोग देते हैं जिनकी priority set नहीं होती है, वो लोग meeting में time पे नहीं पहुंचते हैं, वो seminar में नहीं पहुंचते हैं, वो आपको excuses देते हैं कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि उनके लिए priorities कुछ और है, yes or no? So आपकी clarity के साथ जब आपकी priority set हो जाएगी तो आपके actions आएंगे number तीन पे, yes or no? आएंगे कि नहीं आएंगे? बिकॉज प्रायोरिटी सेट हो चुकी है, जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, फॉरएवर में कैसे टाइम लगाना, किस तरह से ट्रेनिंग लेनी है, मीटिंग्स लेनी है, लेवल्स अचीव करने, टारगेट सेट हो गए तो आपके एक्शंस भी उसके साथ अलाइन हो जाएंगे, यस और नो, राइट। जब आपके एक्शंस वहां पे आएंगे तो एक्शन के साथ जो चीज की जरूरत पड़ी है चौथे नंबर पे, जो जनरली हम लोग भूल जाते हैं, दैट इज करेक्शन,
राइट क्योंकि एक्शंस के साथ अगर करेक्शंस करोगे तो आपके एक्शंस बेटर डायरेक्शन में जाएंगे. अब करेक्शन करने के लिए आपके फॉरएवर का सिस्टम है और आपके अपलाइंस आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, उनको हमेशा आप जिंदगी में साथ रखो और इस चीज पे चलते जाओ. जब आपके एक्शंस करेक्शंस के साथ होंगे तो रिजल्ट्स जो होंगे आपके वो बहुत ही शानदार होंगे. एंड दैट इज नंबर 5. राइट, एक्शन के साथ करेक्शन हुए तो आपके रिजल्ट्स, जब आपके पास रिजल्ट्स आना शुरू हो गए तो वो घूम के आपके ड्रीम के पास पहुंचेंगे. जब ड्रीम के पास पहुंचेंगे तो ड्रीम इज नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी. बिकॉज सक्सेस इज अ जर्नी. सक्सेस खुद में एक जर्नी है. तो एक ड्रीम पे रुको मत, आपका फिर साइकिल शुरू हो जाएगा. आप फिर वहीं पे पहुंच जाओगे. कहां पे? नंबर 1 क्लैरिटी, दूसरे ड्रीम की क्लैरिटी, उसकी प्रायोरिटी, उसके बाद एक्शंस, फिर करेक्शन, फिर रिजल्ट्स. और ये साइकिल जब चलता रहेगा आपका तो जिंदगी में आपको कभी भी कहीं पे रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सक्सेस आपके साथ चलती रहेगी, ड्रीम्स आपके पूरे होते रहेंगे. दिस इज द साइकिल. जब मैं सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करने लगा, बुक्स को पढ़ने लगा, वीडियोस देखने लगा, तो 3 बड़ी छोटी सी हैबिट्स हैं, बेसिक हैबिट्स हैं जो मैंने स्टडी की और आज आपसे शेयर करूंगा. सुनना चाहोगे आप? नंबर 1 हैबिट जो है, जो जब भी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, बड़े ऊंचे ओहदे पे पहुंचे होते हैं, फॉरएवर में बहुत अच्छा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं. सुनील गुप्ता जी यहां पे बैठे हैं, इनको देख देख के, इनके वीडियोस देख देख के इतना इंस्पायर होता हूं कि किस तरह से ये बहुत ही एक पोलाइट वे में इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं. तो जो मैंने पहली हैबिट जो इन सब लोगों से पिकअप की वो आपसे शेयर करूंगा, वो है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन. याद रखना कि कोई भी इंसान आपके साथ बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, वो आप उससे जब मिलते हो तो पहले 60 मिनट में डिसाइड कर लेता है कि उस 60 सेकंड्स में सॉरी डिसाइड कर लेता है कि उसने आपके साथ बिजनेस करना है कि नहीं करना. उसके बाद की पूरी मीटिंग उस डिसीजन को यस या नो में कन्वर्ट करने में लग जाती है और वो बंदा कर भी लेता है इस चीज को प्रूव कि उसका डिसीजन जो पहले 60 सेकंड्स का था वो सही था. राइट, फर्स्ट 60 सेकंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम यह है कि इन फर्स्ट 60 सेकंड में करना क्या है, इंप्रेशन कैसे सही करना है अपना. तो जो मुझे वहां से पता लगा कि एक्चुअल में आपको करना कुछ भी नहीं है. प्रॉब्लम यही आती है कि बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में. यस और नो? आपको करना कुछ नहीं है. यू नीड टू बी वेरी वेरी नेचुरल, बिल्कुल जैसे हो वैसे ही रहना है, ओरिजिनल रहना है. क्योंकि आप फेक करोगे, आप अगर झूठ का पर्दा लोगे तो शायद आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. आपका इंप्रेशन जो है वो गड़बड़ जाएगा. उसका बताता हूं क्यों, रीजन क्या है. बिकॉज जब आप कोई चीज करने की कोशिश करते हो, आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं देती. यस और नो? आपकी बॉडी लैंग्वेज किसी और डायरेक्शन में जा रही है, टोन ऑफ वॉइस किसी और डायरेक्शन में जा रही है आपकी, और आपके सिग्नल्स, आपका ओवरऑल इंप्रेशन किसी और डायरेक्शन में है. बात आप कुछ और करना चाह रहे हो. यस और नो? राइट, तो आपने नेचुरल रहना, यस. उसमें आपने चीजों का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए और आपका नॉलेज सही होना चाहिए. जब भी आप किसी के पास प्रेजेंटेशन के लिए जाओ, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. बट लेकिन आपने कोई चीज फेक नहीं करनी. अब आप मेरे को एक जवाब दो, आप कैसे लोगों के साथ काम करना चाहोगे जो कमिटेड हैं, जो हमेशा ऑनेस्ट हैं, जो आप बिल्कुल सच्चे सुच्चे इंसान हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहोगे या ऐसे लोगों के साथ कि जो कि फेक हैं और सिर्फ दिखाते हैं? किसके साथ काम करना चाहोगे? जो फर्स्ट वाला मैंने आपको ऑप्शन दिया उसी में ना. तो अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे लोगों के साथ काम करो तो प्लीज सबसे पहले अपने आप वैसे बन जाओ. अपने आप आपके साथ वैसे लोग आना शुरू हो जाएंगे. यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, यू शुड बी वेरी वेरी वेल मैनर्ड एंड यू शुड बी डिसिप्लिन्ड. आप हर जगह टाइम पे पहुंचो. तो ये एक पहला मैंने देखा सक्सेसफुल लोगों की. जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, जब उनको देखा, उनको सुना वीडियोज में, तो पता लगा कि ये पहली ट्रेट है जो उनका फर्स्ट इंप्रेशन है वो नेचुरल होता है लेकिन बहुत ही सॉलिड होता है. तो उसके बाद में चला आगे तो देखा सेकेंड चीज क्या है उसमें. तो सेकेंड चीज जो मैंने देखी कि दे ऑलवेज हेल्प अदर्स. वो कभी भी आप देखना, बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, चाहे धीरूभाई अंबानी देखो, चाहे आप लक्ष्मी मित्तल देखो, आप जिस मर्जी को, चाहे आप सुनील गुप्ता जी को देखो, चाहे आप मिस्टर अमरजीत उबी सर को देखो, ये हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहते हैं, हमेशा. राइट,
ये कभी भी सेल्फिश नहीं होते, इनको पता है कि आप अगर दूसरों की हेल्प करेंगे तो वो भी नए नए तरीके ढूंढेंगे आपकी हेल्प करने में, और जब वो भी आपके नए नए तरीके ढूंढेंगे आपकी हेल्प करने में तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस बहुत बड़ा ग्रो हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इस चीज का। तो ऑलवेज हेल्प अदर्स ताकि वो इन रिटर्न आपको हेल्प करें, ये आपको करने की जरूरत नहीं। अगेन, अगर आप हेल्प करोगे सेल्फलेसली तो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और ऐसी एक सपोर्टिव टीम आपकी तैयार हो जाएगी कि आप सुनील गुप्ता सर की तरह सारी की सारी अचीवमेंट्स और टॉप ऑफ इंडिया हमेशा रहोगे। दिस इज, अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने गूगल सुना है? नहीं सुना क्या? अब गूगल की अगर पॉलिसी अंडरस्टैंड करोगे, उस कंपनी की पॉलिसी में जाओगे, आपको पता लगेगा कि वहां पे क्लियर कट लिखा है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, ये उस चीज पे फोकस करते हैं। गूगल हमेशा फोकस करती है मेरे क्लाइंट को, मेरे कस्टमर को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पे फोकस करती है, और रेस्ट बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। आप गूगल को देखो तो गूगल का सर्च इंजन फ्री है, यस और नो? गूगल मैप फ्री है, यस और नो? गूगल का गूगल अर्थ फ्री है, यस और नो? प्लीज मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, यस और नो? यूट्यूब फ्री है, यस और नो? बट इवन देन गूगल जो है वर्ल्ड की रिचेस्ट कंपनीज में आती है। समझ नहीं आया क्या? गेटिंग माई पॉइंट? सेल्फलेसली आप सपोर्ट करो, लोगों को हेल्प करो, वो इंटर्न आपको हेल्प करेंगे। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अंडरस्टैंड की उन सारे लोगों की जब मैंने उनको स्टडी किया, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो ये था कि वो लोग, उनके पास एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड था, वो हमेशा थैंकफुल थे लोगों के, उन लोगों के जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन लोगों के जो उनके पेरेंट्स हैं, उन लोगों के जिन्होंने उनको सपोर्ट नहीं भी किया लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनके साथ एसोसिएटेड हैं, वो हमेशा उन लोगों के थैंकफुल हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी मोड पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट किया है। अब आज आपने करना क्या है? आज आपने ये करना है, जस्ट रिमाइंड करो अपने आप में, एक बार सोचो, जब आप ये सोचोगे कि आपकी जिंदगी में आपने किन लोगों की हेल्प की है, आप 10 चीजें गिना दोगे, मैंने इसी को किसी की नौकरी लगवाई थी, किसी को लिफ्ट दी थी, किसी को ये किया था, वो किया था, यस और नो? आज एक बार आप रिमाइंड करो कि मेरी जो जिंदगी आज मैं जहां पहुंचा हूं वहां पे किन किन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जस्ट उनको एक बार रिकॉल करो। और रिकॉल करना नहीं है सिर्फ, हम लोग करते ऐसा ही है कि कई बार हम उनको थैंकफुल भी होते हैं, हम लोगों के लिए थैंक्स करते हैं, लेकिन हम अकेले में करते हैं और जिसको थैंक्स कर रहे हैं उसको तो पता भी नहीं है कि मुझे कोई थैंक्स कर रहा है, यस और नो? तो आज आपने यहां से निकलने के बाद सबसे पहली एक्टिविटी अगर करनी है तो वो ये करनी है कि फोन उठाना है और उन सारे लोगों को कॉल करनी है जिन्होंने जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट किया है, कॉल करनी है, बताना है उनको कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम हेयर, जो मुझे मिला है जिंदगी में ये आप लोगों की कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। और उनमें आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके रिलेटिव आते हैं, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, आपकी टीम आती है, आपके मेंटोर आते हैं, आपके कोच आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, इन सारे लोगों को आपने थैंक यू करना है। आप करोगे? ये तीन आदतें मैंने देखी, तो ये तीनों आदतें जो हैं अगर आप लोग सिंसियरली अपने अंदर डाल लोगे, अगर सिंसियरली ये सारी आदतें अगर अपने अंदर डाल लोगे तो गारंटेड है सक्सेस के पीछे आपको नहीं बल्कि सक्सेस आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। यस, दिस विल हैपन, राइट? और मैं इस मंच का फायदा उठाते हुए सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा ऑफ कोर्स इस बहुत खूबसूरत बिजनेस अपॉर्चुनिटी और सिस्टम को, और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा एक बार फिर से उस शख्स के लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग हो जिस शख्स ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मिस्टर संदीप कंबोज। मिस्टर मनदीप कंबोज, मेरी सारी टीम, मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ जो आज यहां पे मेरे साथ नहीं है, बट शी इज ऑलवेज देयर विद मी एंड आई नेवर फॉरगेट टू थैंक हर, बिकॉज ऑफ हर आई एम हेयर। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइज।